नमस्कार दोस्तों, तो एक्सपर्ट गुरु जी में आपका स्वागत है। तो आज 1 जून 2021 को एक गुड न्यूज़ ये आ रही है कि भारत में धीरे धीरे कोरोना के जो केसेस है वो कम होते जा रहे हैं। हालांकि ये पॉजिटिव ट्रेंड है कि जो जिस तरीके से ये जो वेव शुरू हुई थी अप्रैल में, उसका पीक मई 15 को हुआ था और उसके बाद ग्रेजुअली इसमें ज़्यादातर कमी आ रही है। अगर हम साउथ के स्टेट्स की बात करें तो काफ़ी सारे जो साउथ के स्टेट्स है, जैसे कि कर्नाटका हुआ, तमिलनाडु हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, केरला हुआ, ये जो चार मेन स्टेट्स है उसमें मार्जिनली जो है स्लाइड मतलब कम होना शुरू हो चुका है। तो वो भी स्टेट जो है अपनी पीक अवस्था में से गुजर चुके हैं। अब इसके बाद जो पोस्ट पैंडमिक की जो वेव थी वो सबसे बड़ी अभी बूम ये हो रही है कि इसके बाद काफ़ी लोगों को फंगस से अपनी जान गंवा रहे हैं और काफ़ी सारे फंगस के केसेस बढ़ रहे हैं। जैसे कि महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज़्यादा फंगस के केसेस है, चाहे वो वाइट फंगस हो, ब्लैक फंगस हो या फिर दूसरी फंगस। तो इसका रीज़न क्या है, ये फंगस के केसेस का कोरोना के साथ क्या कोरिलेशन है, उसके बारे में थोड़ी एक जानकारी आपको दूंगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि कोरोना में जो दवाई दी गई थी वो दवाई और ऑक्सीजन की जो दो चीज़ें, उसकी वजह से ये कोरोना के रेलेवेंस फंगस के केसेस बढ़ रहे हैं। सबसे पहले कि जब भारत में ऑक्सीजन की कमी होने शुरू हो चुकी थी, तब जाके ऐसा डिसीजन लिया गया कि जो ऑक्सीजन इंडस्ट्रियल ग्रेड का जो होता है वो ऑक्सीजन लोगों को दिया जाएगा। अब अच्छी बात है कि मेडिकल ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी तो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो दर्दी थे उसको दिया जाता था, किंतु उसमें भी काफ़ी सारे ग्लिचिस हुए थे। सबसे पहली बात कि जो ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल होता है वो नॉर्मल इंसान को अगर दिया जाता है मेडिकल ग्रेड का तो उसमें 99.8% प्योरिटी होती है, मतलब कि वो एकदम उच्च क्वालिटी का प्योर ऑक्सीजन होता है। जब इंडस्ट्रियल ग्रेड में आता है तो उसमें 92 से लेकर 93% प्योरिटी होती है, यानी कि उसके उसमें दूसरे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स गैसेस होते हैं, जैसे कि आर्गन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ये सब गैसेस उसमें भरे पड़े रहते हैं। तो वो जो गैसेस थे उसके साथ भी जो सिलेंडर में, इंडस्ट्रियल सिलेंडर में ये जो ऑक्सीजन भर भर के दे रहे थे, उसमें खास कर जो सलाइन वाटर थे वो वाटर ठीक तरीके से यूज़ नहीं करते थे। यानी कि जैसे हाथ में आया वो ऑक्सीजन, वो पानी में से ऑक्सीजन बना के वो सिलेंडर में डाल के वो दे दिया। अब उसकी वजह से हुआ क्या कि जो ऑक्सीजन की जिसको ऑक्सीजन चढ़ाया गया था वो सब लोगों में क्या, ये ऑक्सीजन बाहर से हाई प्रेशर से देना पड़ता है। अब वो देने की वजह से ये जो 92-93% जो प्योरिटीज होती थी उसमें, उसके साथ साथ जो आर्गन नाइट्रोजन वगैरह सब गैसेस होते थे, तो वो गैसेस की वजह से और उसमें जो काफ़ी सारे फंगस पार्टिकल्स यानी कि जो वायरस बैक्टीरियल पार्टिकल्स होते थे वो भी साथ में चले गए सांस में। अब वो सांस में चले गए तो उसकी वृद्धि शरीर में शरीर के फेफड़े में होने लगी और उसकी वजह से ये जो नाक है, नाक के आसपास के जो एरिया में ये फंगस का प्रॉब्लम बढ़ने लगा। दूसरा रीज़न है कि कोरोना वायरस की जो दर्दी थे जिसने ऑक्सीजन की लेवल की कमी थी उसको रेमडेसिविर नाम की दवाई दी जाती थी। बेसिकली ये रेमडेसिविर क्या है, एक स्टीरोइड है। स्टीरोइड मतलब वो अपनी जो इम्यूनो सिस्टम होती है उसको वो धीरे धीरे कम कर देता है, कम रिएक्टिव कर देता है। उसकी वजह से हुआ यूँ कि ये रेमडेसिविर का डोज तो ले लिया, बट उसके साथ साथ जो अपने आप में जो खुद को रिस्टोर करने की जो ताकत होती है वो दर्दी की शरीर में कम होने लगी। अब उसकी वजह से ये जो फंगस था वो धीरे धीरे बढ़ता गया शरीर में उसका ग्रोथ, और उसको ऑटो ठीक करने के लिए जो ऑलरेडी कुदरत ने सिस्टम सेट की है वो धीरे धीरे नाकाम होने लगे, और उसकी वजह से ये हुआ कि फंगस के केसेस बढ़ने लगे। ज़्यादातर ये यही रीज़न है। और उसके साथ साथ ये जो रेमडेसिविर जो थी वो क्या करता था कि हमारे शरीर में जो खास करके जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स थे उसमें जो शुगर का जो लेवल होता है उसको रेगुलेट जो करता था वो सिस्टम पे अटैक करता है। यानी कि आप कोरोना से तो ठीक हो गए बट आपका जो शुगर लेवल है वो अनियंत्रित हो जाता है। अब अनियंत्रित होने की वजह से क्या होता है कि
अगर शुगर का लेवल अनियंत्रित होता है तो उसके साथ साथ जो जो भी रेलेवेंट बीमारीज होती है वो होना शुरू हो जाता है, जैसे कि किसी को शुगर हाई होने की वजह से सर में दर्द होना, या फिर शरीर में खिंचतान महसूस होना, या फिर अशक्ति आना, कमजोरी महसूस होना, तो ये जो साइड प्रॉब्लम्स थी वो सब इसमें शुरू हो चुकी थी। तो ये बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट हुए हैं रेमडेसिविर के, और ये जो ऑक्सीजन जो थे सलाइन वाटर यूज़ नहीं किए थे उसके, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे जो केसेस ये ब्लैक फंगस के जो आए हैं भारत में, उसका मेन रीज़न साइंटिफिकली यही दिया जाता है। अब आए तो है बट उसको अब ठीक कैसे करें, तो ये रेमडेसिविर ये जो ब्लैक फंगस वगैरह सब है वो उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है कि खुद को क्लीन एटमॉस्फेयर में रखना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब आपके आसपास का जो भी एटमॉस्फेयर है वो एकदम क्लीन होना ज़रूरी है। और दूसरा कि अगर आपको सिर में दर्द या आँख में दर्द या फिर कफ लेने में सांस लेने में दिक्कत, अगर थोड़ी सी भी दिक्कत होती है कोरोना के बाद, तो कृपया तुरंत ही कंसल्टेंट जो डॉक्टर होता है उसको ये बताइएगा। तो अगर ये जो ब्लैक फंगस का जो केसेस है अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है तो ये इसमें से 50-70% केसेस में केस बच जाता है और काफ़ी सारे वो रिकवर होके बाहर आते हैं। ज़्यादातर ऐसा देखा गया कि रेड ये जो ब्लैक फंगस होते हैं उसमें आँख निकालनी पड़ती है, या फिर किसी की जो आँख के नीचे का जो जबड़ा होता है वहाँ पे ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ये बेसिकली एक सॉफ्ट एरिया होता है कि जो हमारी इम्यूनो सिस्टम से जुड़ा होता है, और कुछ ऐसी अगर हम तकेदारी रखते हैं तो हो सकता है कि इसमें से हम आसानी से मुक्ति पा सकें। और उसके बाद ये है कि ज़्यादातर हमारा जो फूड है वो अल्कली बेस होना चाहिए। अल्कली बेस मतलब कि हमारे शरीर का अगर अल्कलाइन नेचर में ज़्यादा से ज़्यादा अल्कलाइन मीडियम होगा तो उसमें ये ब्लैक फंगस होगा या कोरोना होगा ये कुछ भी है ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। जैसे कि अभी कनाडा की जो एक कंपनी है उसने एक नया नोज़ल स्प्रे बाहर निकाला है, यानी कि ये नोज़ल स्प्रे क्या करेगा कि यहाँ से आप नाक में से ऐसे नोज़ल से स्प्रे कर सकते हैं, और वो 99.99% जो कोरोना के जो यहाँ पे एंट्री होगी उसको ब्लॉक कर देगा। यानी कि अगर अंदर गया है तो उसको तो अंदर से ट्रीट करेगा ही, बट बाहर से कुछ भी कोरोना के जो वायरस होगा वो हमारे सांस में नहीं जा सकता। तो ये एक बहुत बड़ी आविष्कारिक खोज होगी और आने वाले ये जून एंड में भारत के मार्केट में भी अवेलेबल होगी, और इसकी कीमत ऐसा कहा गया है कि किफ़ायती होगी ताकि हर एक लोग इसका इस्तेमाल कर सके। हालांकि मार्केट के हिसाब से अगर हम बात करें तो भारत किसी भी दवाई का बहुत बड़ा मार्केट है। जैसे स्पुतनिक का ले लो, अगर भारत में कोविशील्ड 200-300 रुपए में मिलती है तो कोई ये जो स्पुतनिक है वो गवर्नमेंट को ही करीब 1000 रुपए में मिलती है। मतलब वो सीना तोड़ के बहुत उसका भाव लेते हैं, दवाई का रेट लेते हैं। किंतु एक बात तो सही है कि यहाँ पे मार्केट इतना बड़ा है ताकि ये फार्मास्यूटिकल कंपनी को यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने का मौका भी मिल जाता है। तो आशा करते हैं कि आने वाले समय में ये जो